electrón. सच्चे पहले तो मैं अपनी प्रसन्नता का उद्गार करना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ आकर महसूस हुई, जिस काम में आप लोग लगे हुए हैं वही आज देश और दुनिया, मैं दुनिया में जोड़ रहा हूँ, देश और दुनिया के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और जो इस काम को कर रहे हैं ये अत्यंत बधाई की बात है, बहुत अच्छी बधाई देना चाहिए। अपनी बात मैं आपके सामने थोड़ा अलग ढंग से करना चाहता हूँ। एक लेखक होने के नाते आपको अपने लेखन से भी जोड़ने का प्रयास करूँगा। एक नया नाटक मैं लिख रहा हूँ, उसके बारे में कुछ आपको बताऊँगा। उससे पहले कुछ बातें और हैं जिसको मैं सूक्ष्म रूप में और संक्षेप में रखना चाहूँगा। देखिए, हर समाज में और हर समय कुछ अच्छे बुरे काम होते रहते हैं। आज़ादी के बाद हमारे देश में जो स्थिति बनी थी तो उसमें लोगों को ये बताया गया कि अब आपको अपनी चिंता करने की आवश्यकता, अपने समाज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप स्वतंत्र हैं, अब आपकी सरकार है, सरकार आपकी चिंता करेगी। अब आपको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, सांप्रदायिक सद्भाव आदि आदि के लिए मंत्रालय खोल दिए गए हैं, ये मंत्रालय काम करेंगे और आप लोग अब इस काम में लग पाए। क्या क्या करना है पड़ते, क्योंकि आपको सरकार कर रही है। तो क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो पब्लिक इनिशिएटिव था, जो लोगों के अंदर आगे बढ़कर अपने समाज और देश के लिए काम करने की प्रवृत्ति थी, वो समाप्त कर दी गई, वो समाप्त हो गई। जो संस्थाएं, जिस तरह की संस्थाएं आज़ादी से पहले बनी थी, लोगों ने बनाई, जनता ने बनाई, वे संस्थाएं आज़ादी के बाद नहीं बनाई गई, क्योंकि माना गया जब कि काम सत्ता चली गई है, हमें क्या करना। लेकिन हुआ ये धीरे धीरे कि जिन कामों की जिम्मेदारी दी गई थी, सत्ता ने जिन कामों की जिम्मेदारी दी थी, वे काम खराब होते चले गए। उदाहरण के लिए शिक्षा, शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आई, वो गिरावट इससे पहले, आज़ादी से पहले नहीं थी, वो गिरावट जो अब आ गई। स्वास्थ्य सेवाएं, उनमें भी जो गिरावट आ गई है, वो गिरावट पहले नहीं थी। इन दोनों चीज़ों को सत्ता ने व्यवसाय में बदल दिया है, ये व्यवसायिक हो गया। तो अब क्या हुआ कि जो चीज़ व्यवसायिक हो जाएगी वो बहुत से लोगों की पहुंच के बाहर हो जाएगी। तो शिक्षा जो पहले आम लोगों के वश में थी, वो वहाँ से खत्म हो गई। स्वास्थ्य भी जनता से खत्म हो गया। और जो समाज के अंदर ये भावना थी कि हमको मिलजुल करके रहना है, सद्भाव बनाना है, ये भावना भी सरकार के सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों से निकलती, वे भी बंद हो गए, वे भी समाप्त हो गए। सरकार ने कहा कि संस्कृति को तो और साहित्य को तो हम ही आएंगे, अकादमियाँ बना दी गई, मंत्रालय बना दिए गए, हम कहेंगे। लेकिन आप उनका भी हाल जानते हैं कि क्या हो। मैं एक उदाहरण दूँ, ये नागरिक प्रजातंत्र सभा है, नागरिक प्रजातंत्र सभा जैसी संस्था आज़ादी के बाद क्यों नहीं बन पाई, यह मानते शांति निकेतन है, शांति निकेतन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बना, बाद में इस तरह के प्रयास नहीं हो पाए, क्यों? इसलिए मुझे कहा गया कि आप आज़ाद हैं और तो अब तो सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी। और सरकार ने स्थिति को कहाँ पर ला दिया, सत्ता जो है
उसने हमारे हमारी पहल को हमारे विशेषण को समाप्त किया और राजनीति को वो सबसे आगे गया, राजनीति सबसे ऊपर हो गई। पहले हमारे देश में राजनीति सबसे ऊपर नहीं थी, बल्कि जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो मूल्य थे वे सबसे ऊपर थे, राजनीति आगे सबसे आगे। राजनीति और सत्ता ने क्या किया, देखिए सत्ता का जो सबसे बड़ा काम होता है कि वो सत्ता में रहे, कोई भी सत्ता है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि वो सत्ता में रहे। सत्ता में रहने के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े उसके लिए राजनीतिक दल तैयार है, चाहे समाज को लोगों को कितनी भी नुकसान हो जाए लेकिन अगर वे सत्ता में आ सकते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। वो आपसे वोट मांगते हैं, आप उनको सत्ता देते हैं। दूसरी ओर साहित्यकार या रचनाकार या कलाकार या संगीतकार या गायक वो कभी आपसे ये नहीं कहता कि मुझे वोट दो, मुझे कुछ सत्ता दो, बल्कि वो समाज को लोगों को एम्पावर करता है, कुछ ऐसा देता है जो आपको अच्छा लगता है, उसको पढ़ते हैं तो अच्छी भावनाओं का संचार होता है। तो लेखक की भूमिका समाज को कुछ देने की भूमिका है और राजनीति की भूमिका समाज से कुछ लेने की भूमिका है। तो ये लेने की भूमिका तो बढ़ती चली गई, देने वाली भूमिका को कम से कम कर दिया गया। तो उससे समाज के अंदर जो जागरूकता आनी थी वो जागरूकता नहीं उत्पन्न हो पाई और ये कारण है कि आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां जाति और धर्म और संप्रदाय और भाषा इन सब को लेकर के विवाद है, इन सब को लेकर के हिंसा। तो आज हमारा समाज यहाँ पहुँचा हुआ है ये मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब जानते हैं कि आज जो है समाज की हमारी कैसे और ये समाज की स्थिति क्यों इस तरह की बनी। देखिए सत्य वो नहीं होता जो होता है, सत्य वो होता है जिसे लोग सत्य माने। लोकतंत्र में जिसे लोग सत्य मानते हैं वो सत्य होता है। सत्य क्या है इससे उन्हें मतलब ही नहीं है, मतलब ये जो बताया जा रहा है वो सत्य है। अब ऐसी स्थिति में जो संचार के माध्यम टेलीविज़न है, रेडियो है और अखबार है, इनकी भूमिकाएँ बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं क्योंकि सत्य को यही बताते हैं और इनकी भूमिकाओं पर अगर सत्ता का कंट्रोल हो जाता है तो निश्चित रूप से सत्य का वही पक्ष आप तक जाता है जिस पक्ष को माना जाता है कि जाना चाहिए, दूसरे आपके सामने नहीं जा पाते पक्ष। तो इस तरह से पूरे समाज के विचारों को बदल देने का काम किया गया है। पूरे समाज के भी बदले आप देखेंगे कि हिंसा की ऐसी बातें जो आज से 25 साल पहले लोग कम से कम पब्लिकली नहीं करते थे या करते थे तो बताते नहीं थे, तो आज उसको वो बताते हैं, करते भी हैं, बताते भी और गौरवान्वित होते हैं और उसका पुरस्कार भी मिलता है। यहाँ तक हमारा जो सामाजिक और नैतिक जो हमारा पतन है वो यहाँ तक पहुँच गया है। ऐसी स्थिति में समाज को बनाए रखने के लिए हमें ऐसे प्रयास करने होंगे जो एकता, एकजुटता, भाईचारा, समन्वय जिसका इतिहास हमारे देश में बहुत पुराना है उसको हम रिवाइव करें। जो तथ्य छिपा लिए गए हैं उन तथ्यों को हम आपके सामने लाए और ये काम बड़े स्तर पर छोटे स्तर पर नहीं होना है। आप देखते हैं कि जो संत थे, जो
सूफी थे, फकीर थे, साधु थे, तो यात्राएं करते थे। यात्राओं करने के पीछे तात्पर्य क्या था कि उस समय जनसंचार के माध्यम थे नहीं, केवल यात्रा के दौरान जो है जनसंचार होता है। तो वो जनसंचार आज माध्यमों से होता है, तो उन माध्यमों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके ऊपर सोचने की जरूरत है। और ऐसे प्रसंग लाए जाएँ जो प्रसंग हमारे अंदर ये बात पैदा करें कि बहुत हजारों साल से यह देश जो प्रयास कर रहा है वो एक प्रकार की मानवता का, मानव एकता का प्रचार कर रहा है हजारों साल से, आज से नहीं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव समूह कहा है, महामानव समूह कहा है। और यहाँ ये प्रक्रिया चलती रही है कि हमसे जो अलग है, हमसे जो भिन्न है, जो हमारे जैसा नहीं है, उसका भी हम सम्मान करें, उसको भी हम अधिकार दें, वो भी मनुष्य है। तो ये बराबरी का और समन्वय का जो प्रयोग है ये आज से नहीं हजारों साल से भारत में हुआ है। और मेरे ख्याल से अगर ये कहा जाता है कि हम विश्व गुरु हैं तो इसी संदर्भ में कहा जाता है कि यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे देशों में जो प्रयोग हो रहे हैं, जो 20वीं शताब्दी में हुए, उन प्रयोगों को हम सैकड़ों साल पहले कर चुके हैं। और हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि सामाजिक मेलजोल और आपसी सम्मान के अलावा कोई रास्ता नहीं है और जीवितता का, वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इतिहास में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनको भी जिनको देखा जाए तो हमारे सामने ये बातें बहुत स्पष्ट होती हैं। अब मैं आपसे उस नाटक की चर्चा करूँगा जो मैं लिख रहा हूँ आजकल, उसका कथानक, उसकी कहानी बहुत रोचक है। 1804 में बिजनौर में एक मौलवी साहब थे, उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन हुआ ये कि बच्चे को पैदा करने के बाद माँ जो है वो गुजर गई। अब ये संकट आया कि ये बच्चा कैसे बचेगा, इसकी जान कैसे बचेगी। तो मौलवी साहब को किसी ने बताया कि पड़ोस में ही एक पंडित जी हैं, उनके यहाँ लड़की पैदा हुई, तो आप पंडित जी से कहिए तो शायद तैयार हो जाए कि बच्चे को माँ का दूध मिल जाए, पीने के लिए आगे बढ़ जाए। तो ये मौलवी साहब पंडित जी के पास गए तो पंडित जी ने कहा भाई ये तो विषय जो है वो मेरा नहीं है, इसमें तो पंडिताइन से पूछना पड़ेगा। पंडिताइन से पूछा गया जब तो उसने कहा कि देखिए जान तो आपके बच्चे की बन जाएगी, मैं इसको दूध पिला दूँगी, लेकिन ये बताइए कि मेरा क्या अधिकार होगा इसके ऊपर, इसकी जान बचाऊंगी, मेरा अधिकार क्या होगा। तो मोदी साहब ने कहा वही अधिकार होगा जो मेरा होगा, मतलब जितना ये मेरा बेटा होगा उतना ही आपका होगा, ये अंडरस्टैंडिंग बन गया। लड़का बड़ा होने लगा, मौलवी साहब ने उसको अरबी और कुरान पढ़ाना शुरू किया, पंडित जी ने उसको संस्कृत और कुरान पढ़ाना शुरू किए, मौलवी साहब ने उसकी बिस्मिल्लाह की, उन्होंने उसका जनेऊ संस्कार किया। क्योंकि दोनों को बराबर का अधिकार है, कोई नहीं उनको रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है। लड़के को उन्होंने इस्लाम धर्म की शिक्षा देनी शुरू की, पंडित जी ने उनको हिंदू धर्म की शिक्षा देनी शुरू की। और लड़का इतना तेज था पढ़ने में, जानकारी प्राप्त करने में, कि वो दोनों में बहुत योग्य हुआ, बहुत ही एक्सपर्ट हुआ। उसको अरबी फारसी का भी ज्ञान हो गया, उसको संस्कृत का भी ज्ञान हो गया। उसने जितने दोनों धर्मों के ग्रंथ थे वो सब पढ़ लिए और पढ़ करके उसको लगा कि ये तो वास्तव में एक है,
वास्तव में एक है, जो ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है तो वही अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, केवल शब्दों का अंतर है। दोनों धर्मों में स्वर्ग है, दोनों धर्मों में अच्छे और बुरे कामों को व्याख्या किया गया है, जो अच्छे काम एक धर्म है तो एक अनुच्छे है, दोनों में जो है वो स्वर्ग और जन्नत वो भी एक से, तो वो ये बातें करने लगा। अब सवाल ये है कि उससे उस लड़के से उस आदमी से बहस कौन करता है, क्योंकि वो दोनों भाषाएं जानता है, दोनों धर्मों के बारे में जानता है और प्रायः लोग एक धर्म के बारे में जानते हैं। तो उस इलाके में जो लोग हिंदू और मुस्लिम धार्मिक लोग थे, जो कि अपने धर्म के प्रकार से ठेकेदार थे, उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है ये तो हमारी दुकान बंद करवा देगा, है ना, ये कहता है कि तुम मंदिर जाओ, मंदिर जाओ बात देगी तो ये कर लेगा। तो उससे ये कहा, उसके हिंदू पिता और मुस्लिम पिता से कहा कि जिससे बहुत ये काम शुरू करके ये शहर छोड़ के चला जाए, अगर ये यहाँ रहेगा तो हम इसकी हत्या करते हैं। तो यही कह पाया कि वो जो है वो फकीर बन जाएगा, संत बन जाए, सूफी बन जाएगा। तो ये अपना बाहर निकल गया और जहाँ जहाँ इसका मन होता था या जहाँ इसको लगता था कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे मिलना चाहिए वहाँ ही चला जाता, इसके बड़े रोचक अनुभव हुए। और ये रोचक अनुभव उसके इस सारे नाटक में आते हैं, कहाँ 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 उसको क्या क्या अनुभव हुआ, कहीं उसको बहुत अच्छे लोग मिले, कहीं बुरे लोग मिले, कहीं स्वयं इसने ऐसा किया। तो ये सूफियों का जो दर्शन था ये एक मानवतावादी दर्शन, बड़ा रोचक प्रसंग है कि सूफी मतलब जो इसमें आता है कि ये उनका नाम था घोष, इनकी किताब तस्करा घोषिया जो छपी हुई किताब है। तो एक सूफी के प्रसंग है कि उनको शिष्य ने उनको खाने के लिए बुलाया कि भाई खाने पर आओ, अपने गुरु से कहा। तो सूफी जी पहुँचे और अपने शिष्य से पूछा कि भाई मेरे लिए तुमने क्या बनवाया, तो उसने बताया कि ये है ये है ये है। तो सूफी साहब ने कहा कि शराब है, तो उन्होंने कहा रवि साहब बिल्कुल नहीं साहब, शराब पीना तो हराम है, हमारे यहाँ तो शराब कैसे है। तो सूफी ने कहा कि नहीं मैं तो पीता हूँ। अब किसी मुसलमान आदमी के लिए जो बड़ा प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, उसके लिए कहीं से शराब लाना इतना मुश्किल काम है कि वो दुकान के सामने भी नहीं जा सकता, लोग उसको मुस्कान भी बाहर कर दें। लेकिन यह है कि क्योंकि मुस्कान जी ने कहा है, सूफी साहब ने कहा है शराब लाओ, तो किसी न किसी तरह से वो ला के रखी गई। खाने पर खाना शुरू हुआ तो सूफी साहब खाना तो खा रहे हैं, शराब नहीं पी रहे, बोतल रखी हुई। तो उसने कहा कि साहब आपने लड़ाई थी और मैं बड़ी मुश्किल से लाया, वो पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उठाई और आप पी नहीं रहे। तो इन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं पीता, अरे अभी तो आपने कुछ देर पहले कहा था कि शराब मंगाओ, मैं शराब पीता हूँ। इन्होंने कहा सूफी ने कि देखो ये बात सच है कि अगर तुमने शराब न मंगाई होती और यहाँ न रखी होती तो मैं खाना न खाता। क्यों? मेरा इसलिए कि तुम अगर शराब ना मंगाते तो उससे ये साबित होता, ये सिद्ध होता कि जो लोग तुमसे अलग हैं, जो तुम्हारे अपोजिट हैं, जिनके विचार तुमसे बिल्कुल भिन्न हैं, उनके लिए तुम्हारे मन में कोई जगह नहीं है। जो लोग जो बिल्कुल आपसे अलग हैं उनके लिए भी मन में जगह हो, मानवता का ये स्तर होना चाहिए, तभी जो है वो समाज को मजबूती आती है। तो इस तरह के काफी प्रसंग हैं
क्योंकि एक उनके सामने आते हैं और अंत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अंत बहुत ही रोचक है। ये अपने यात्रा में होते हैं सूफी साहब, तो इनको तो ये पहुँचे अपने माता जी के पास और इन्होंने अपना बार बार कटवाए, मुंडन करा दिया, सब कुछ उन्होंने धारण किया, अपनी जनेऊ का भी सब कुछ किया और धोती उठी बांध करके ये हरिद्वार में पहुँचे, पिंडदान कर दिए। वहाँ जब भी गंगा जी उतरे तो इनके गांव के इलाके में तो देख लिया और इनसे कहा कि अरे मियाँ जी तुम यहाँ कैसे आए। तिरुण से कहा इसके प्रभु मैं स्वयं नहीं आया हूँ, मेरे पिताजी थे पंडित जी, उनका मैं श्राद्ध करने के लिए आया हूँ, पिंडदान करने आया हूँ, तुम देकर ले लो। इनकी ये बातचीत थोड़ी सी कि दूसरे लोगों ने सुन लिया दूसरे, और उन्होंने कहा कि ये तो एक मुसलमान जो है वो आ गया है और इसको तो बाहर निकालो। ये उनको लाख समझाते रहे कि देखो मेरा और कोई मन नहीं था, मैं ये करना चाहता था, ये करना चाहता था, उनका नहीं थी तुम बाहर निकाल लिए। तो शोर शराबा बहुत नचा, तो जो एक वरिष्ठ सीनियर जो बंदा थे वो आगे उन्होंने पूछा पिंडदान में पढ़े जाते हैं, तो ये बड़े योग्य थे, उन्होंने सब पढ़ना शुरू कर दिया, सब बता दिया। उनका और क्या होता है वो भी से बताना शुरू कर दिए। तो बड़े पंडित के लगा कि ये आदमी कितना ज्ञानी है कि ये हमसे ज्यादा हमारे धर्म के बारे में जानता है, जो बाकी लोगों को भी नहीं पता उसे इससे मालूम है। तो इन्होंने कहा बड़े पंडित ने कि भाई ज्ञानी के गंगा जी में जाने से गंगा जी अपवित्र नहीं होगी, और वो उनको अपने साथ लेकर के गंगा जी के अंदर आया और उनको पिंडदान